नमस्कार। यूएस के करीब 1% पॉपुलेशन इंडियन है और उनमें से कुछ लोग साउदर्न गुजरात के पटेल हैं। इन पटेल लोगों का बिजनेस करने का एक अलग तरीका होता है। यूजुअली हमें बताया जाता है कि ज़्यादा रिटर्न्स पाने के लिए ज़्यादा रिस्क लेना होता है, लेकिन इन पटेल्स की जो स्ट्रैटेजी है वो इससे पूरी तरह डिफरेंट है। उनकी स्ट्रैटेजी है लो रिस्क हाई रिटर्न, यानी कम रिस्क और ज़्यादा रिटर्न, और यही स्ट्रैटेजी यूज़ करके वो अपना बिजनेस चलाते हैं। आज हर किसी को इस पटेल स्ट्रैटेजी के बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है। पटेल्स को पहले पाटीदार के नाम से जाना जाता था। पाटीदार का मतलब होता है जमींदार। 1970s में जब कुछ पटेल्स यूएस गए तो वहाँ पर मंदी चल रही थी, और मंदी की वजह से मोटेल बिजनेस बहुत ख़राब हालत में था। मोटेल्स मतलब रोड साइड के होटल्स होते हैं जहाँ पर लॉजिंग और पार्किंग की फैसिलिटी होती है। पटेल्स को पता था कि मोटेल बिजनेस की एक ख़राब हालत टेम्प्ररी है, और जैसे इकोनॉमी वापस रास्ते पर आ जाएगी और इकोनॉमी में ग्रोथ होगी तो ये बिज़नेस बूम पकड़ लेगा। उस वक्त मंदी की वजह से और मोटेल बिजनेस की खराब हालत की वजह से यूएस में बहुत सारे मोटेल सस्ती प्राइस पर मिल रहे थे। पटेल्स को मोटेल्स के फ्यूचर ग्रोथ के बारे में पता था, और इसलिए उन्होंने अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट करके और ज़्यादातर पैसा बैंक से लोन लेकर मोटेल्स खरीदे, और पटेल्स उस बिज़नेस को बहुत ही इफ़िशेंटली चलाने लगे। मोटेल बिजनेस उन्हें सस्ते में मिल रहा था और खुद का कैपिटल भी उन्होंने बहुत कम लगाया था, तो डाउनसाइड रिस्क उनकी बहुत कम थी। वही मोटेल बिजनेस को बाकी कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले इफ़िशेंटली कैसे चलाना है ये उन्हें अच्छे से पता था। और फिर धीरे धीरे मोटेल बिजनेस से वो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाने लगे और धीरे धीरे और मोटेल्स खरीदने लगे। जब मोटेल बिजनेस खराब हालत में था तब उन्होंने उसे कम कैपिटल में खरीदा और इफ़िशेंटली चलाकर उसमें से प्रॉफिट निकाला। इस तरह लो रिस्क हाई रिटर्न स्ट्रैटेजी यूज़ करके उन्होंने बहुत पैसा कमाया। आज यूएस का 50% से ज़्यादा मोटेल बिजनेस पटेल्स के पास है। पटेल्स पहले सेविंग कर लेते हैं और ऐसे ही किसी लो रिस्क हाई रिटर्न अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं। जब उन्हें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें उन्हें अपसाइड यानी फ्यूचर रिटर्न्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं और डाउनसाइड रिस्क बहुत कम दिखती है, तब वो उस बिज़नेस को खरीद लेते हैं या उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं। सर रिचर्ड ब्रेंसन, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और वर्जिन ग्रुप के चेयरमैन हैं, वो भी इस लो रिस्क हाई रिटर्न फार्मूला को फॉलो करते हैं। जब सर रिचर्ड ब्रेंसन ने अपनी वर्जिन अटलांटिक ये एयरलाइन कंपनी शुरू की थी, तब उन्होंने लो रिस्क हाई रिटर्न स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया था। उन्होंने देखा कि बाकी एयरलाइन कंपनीज कस्टमर्स को बहुत ख़राब सर्विस दे रही है, और ये सर्विस गैप फिल करने के लिए उन्होंने वर्जिन अटलांटिक ये एयरलाइन कंपनी शुरू की। पर एयरलाइन कंपनी शुरू करने के लिए एरोप्लेन्स खरीदने होते हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है। पर प्लेन खरीदने की बजाय उन्होंने प्लेन लीज पर लेना यानी लॉन्ग टर्म के लिए किराए पर लेना पसंद किया, जिससे उन्हें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत कम इन्वेस्टमेंट कैपिटल लगा। एयरलाइन जैसे बिजनेस को उन्होंने सिर्फ और सिर्फ $2 से $2.5 मिलियन में शुरू किया था। यहाँ पर अगर वर्जिन अटलांटिक फेल हो जाती है तो मिस्टर ब्रेंसन को सिर्फ $2 से $2.5 मिलियन का नुकसान होता, और अच्छे सर्विस के दम पर अगर वर्जिन अटलांटिक सक्सेसफुल होती है तो अपसाइड बहुत ज़्यादा थी। और फिर अच्छे सर्विस पर फोकस करके उन्होंने मार्केट में अपना स्ट्रॉन्ग ब्रांड बना दिया और सक्सेस हासिल किया। वर्जिन ग्रुप में 200 से भी ज़्यादा कंपनी शामिल हैं, और मिस्टर ब्रेंसन ने ये सारे बिजनेसेस इसी तरह क्रिएटिव थिंकिंग की मदद से कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट से शुरू किए हैं। लोग यही कहते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, पर अपनी क्रिएटिव थिंकिंग यूज़ करके आप कम से कम कैपिटल से भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, और पटेल्स और मिस्टर ब्रेंसन की स्ट्रैटेजी हमें यही सिखाती है। मिस्टर ब्रेंसन ने वर्जिन मोबाइल ये सेलफोन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी भी शुरू की है, पर उसका सेलफोन नेटवर्क वर्जिन नहीं बल्कि एक दूसरी कंपनी स्प्रिंट चलाती है। स्प्रिंट वर्जिन मोबाइल ब्रांड के अंडर पूरी सर्विस प्रोवाइड करती है। इस बिजनेस में वर्जिन की इन्वेस्टमेंट बहुत कम थी और डाउनसाइड रिस्क भी। सारी टेक्नोलॉजी, बिलिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर स्प्रिंट प्रोवाइड करता है। वर्जिन बस अपना ब्रांड यूज़ करके और प्रोडक्ट पोजिशनिंग करके प्रॉफिट कमा रहा है। अपनी स्लो रिस्क हाई रिटर्न स्ट्रैटेजी की वजह से अगर वर्जिन का कोई बिजनेस सक्सेसफुल होता है तो उन्हें बहुत सारा प्रॉफिट होता है, और अगर उनका कोई बिजनेस फेल होता है तो उन्हें बस थोड़ा सा ही नुकसान होता है। जब 1978 में वो नेकर आइलैंड खरीदने गए थे तब उसके सेलिंग प्राइस उन्हें $6 मिलियन बताई गई थी, तो उस पर मिस्टर ब्रेंसन ने कहा कि मैं $100,000 में इस आइलैंड को खरीदना चाहता हूँ। मिस्टर ब्रेंसन से ये प्राइस सुनते ही उस रियल एस्टेट ब्रोकर का मूड ही ऑफ हो गया। उसने उन्हें कहा कि $6 मिलियन कहा और $100,000 कहा, और उसने मिस्टर ब्रेंसन को जाने के लिए कहा। पर आप विश्वास नहीं करोगे कि करीब एक साल बाद उन्होंने वो सेम आइलैंड $180,000 में खरीद लिया, यानी 97% डिस्काउंट में खरीद लिया, और आज वहाँ पर एक रात रुकने का चार्ज $42,000 है।
ऐसा नहीं है कि मिस्टर ब्रैनसन कभी फेल नहीं होते, पर जिन बिजनेसेस में वो एंटर करते हैं उनमें डाउनसाइड रिस्क बहुत कम होता है, इसलिए उन्हें फेलियर से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लो रिस्क हाई रिटर्न स्ट्रैटेजी की एक स्पेशल ब्यूटी ये है कि जब आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हो तब अगर आप फेल भी होते हो तो आपको ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होता, पर जब आप उस बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में सक्सेसफुल होते हो तो आपको कई गुना प्रॉफिट होता है। अब हम इस स्ट्रैटेजी से जुड़ी उन तीन बातों के बारे में बात करेंगे जो आपको इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात, आप जिस प्राइस में बिजनेस को खरीद रहे हो या जिस प्राइस पर कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो वो परचेज प्राइस बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए, और परचेज प्राइस अट्रैक्टिव होने के लिए जब कोई बिजनेस खराब हालत में होता है तब उसे आपको खरीदना चाहिए। जब मॉटेल इंडस्ट्री और इकोनॉमी खराब हालत में थी तब पटेल्स नए मॉडल्स खरीदते थे। सिमिलरली आपको भी इन्वेस्टिंग करते वक्त कंपनी के वैल्यूएशन पर ध्यान रखना चाहिए। जब कंपनी इंडस्ट्री या इकोनॉमी खराब हालत में होती है तब कई बार अच्छी कंपनीज सस्ते वैल्यूएशन पर मिल जाती है। जब कंपनी या इंडस्ट्री किसी शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम में फंस जाती है तब लोग उन कंपनीज के शेयर्स बेच देते हैं जिससे वो बिजनेस सस्ते वैल्यूएशन पर मिल जाता है। यहाँ पर हम किसी भी ऐरे गहरे बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन्हीं बिजनेस की बात कर रहे हैं जिन्हें आप समझते हो और जो फंडामेंटली स्ट्रांग है। अगर वो बिजनेस किसी शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम की वजह से खराब हालत में है और आप उस बिजनेस के लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के बारे में कॉन्फिडेंट हो तो आप उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो या उस बिजनेस को खरीद सकते हो। तो इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन को हमेशा ऐसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए और उनके लिए पेशेंटली वेट करना चाहिए। इसलिए मिस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि अमीर बनने के लिए एक रूल आपको हमेशा याद रखना चाहिए, और वो ये है कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। क्योंकि जब सारे लोग फियरफुल होते हैं तो कोई बिजनेस को खरीदना या उसमें इन्वेस्ट करना नहीं चाहता, और उसकी वजह से आपको सस्ते वैल्यूएशन पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। दूसरी बात है, बाय और इन्वेस्ट इन बिजनेसेस विद अ ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मान लीजिए कि आपके शहर में एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है और वो इलेक्ट्रॉनिक शॉप अच्छा बिजनेस कर रही है। आगे चलकर अगर और चार सेम इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स आपके शहर में खुलते हैं तो क्या आपके शहर का वो पहला इलेक्ट्रॉनिक शॉप पहले जितना ही सेल्स और प्रॉफिट कमा पाएगा? अब आपके शहर में कुछ 5 इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स हो गए हैं, तो अब इन 5 इलेक्ट्रॉनिक शॉप में से अच्छा बिजनेस वही शॉप करेगा जिसके पास अच्छा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, यानी जिसके पास कस्टमर्स को देने के लिए कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले कस्टमर के रिक्वायरमेंट से जुड़े कुछ अलग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं, जैसे कि कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले ज़्यादा वेराइटीज, कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले कम प्राइस और अच्छी आफ्टर सेल सर्विस एटसेट्रा, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसी शॉप से प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। पटेल्स मोटेल्स को इफिशेंटली चलाकर रूम्स के प्राइस अपने कॉम्पिटिटर्स से कम रखते थे, और वो उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था जिससे ज़्यादातर कस्टमर्स उनके मोटेल्स में जाना ही पसंद करते थे। वहीं उनके बाकी कॉम्पिटिटर्स के लिए उतने कम प्राइस में रूम्स देना पॉसिबल नहीं था। अगर कोई कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है पर उसके पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है तो आगे चलकर अगर कॉम्पिटिटर्स आ गए जो सेम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दे रहे हैं तो वो कंपनी ज़्यादा टाइम तक कॉम्पिटिशन में नहीं टिक पाएगी। तीसरी बात है, बेट हेवीली व्हेन ऑड्स आर ओवरवेलमिंगली इन योर फेवर। मोस्ट ऑफ द टाइम मिस्टर रिचर्ड ब्रैनसन और पटेल्स पेशेंटली वेट करते हैं, और जब उन्हें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें ऑड्स पूरी तरह उनके फेवर में होते हैं तब वो उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। मिस्टर चार्ली मंगर कहते हैं कि जब इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें ऑड्स उनके फेवर में होते हैं, यानी जब डाउनसाइड रिस्क बहुत कम होती है और अपसाइड बहुत ज़्यादा होती है, तब वो हेविली इन्वेस्ट करते हैं। जब मंदी चल रही होती है या इंडस्ट्री और इकोनॉमी में कोई शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम आता है तब कई बार बिजनेसेस सस्ते वैल्यूएशन पर मिल जाते हैं। US में ओसामा बिन लादेन ने किए हमले के बाद मोटेल इंडस्ट्री फिर खराब हालत में चली गई, और तब भी उन्हें मोटेल बिजनेसेस सस्ती प्राइस में मिल रहे थे। तब भी पटेल्स ने बहुत सारे मोटेल बिजनेसेस खरीद लिए थे, और ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए उन्हें कई बार पेशेंटली वेट करना होता है। ज़रूर इन सारे लेसन्स को बिजनेस और इन्वेस्टिंग करते वक्त अप्लाई करें। तो ये थे मिस्टर मोहनीश पाबराई की बुक द धंधो इन्वेस्टर की समरी। द धंधो इन्वेस्टर बहुत बढ़िया बुक है और आपको इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। इस वीडियो को अपने उस हर एक दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो बिजनेस स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहा है या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। हमारा काम था इस बुक का नॉलेज आप तक पहुँचाने का, अब ये नॉलेज बाकी लोगों तक पहुँचाने का काम आपका है। व्हाट्सएप के जरिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। हम हर शनिवार को ऐसे ही बुक समरीज अपलोड करते हैं, तो उनकी नोटिफिकेशंस पाने के लिए हमारे चैनल finnovations.com को सब्सक्राइब करके इस बेल बटन को ज़रूर दबाइए।
हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।